नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। निर्मला सीतारमण ने पांचवी किस्त में प्रवासी मजदूर और शिक्षा क्षेत्र पर दिया ध्यान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से संबंधित पांचवा और आखिरी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रोत्साहन पैकेज की पांचवी किस्त में 7 मुद्दों, मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही वापस लौट रहे प्रवासियों के रोजगार के लिए मनरेगा योजना को बजट में 61,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए दाल भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे और उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण योजना के तहत मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए नकदी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाने की बात भी कही गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सभी जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाने का किया दावा। प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को देखते हुए भारतीय रेलवे अप्रेंटिस रोड से जुड़े सभी जिलों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। जिसके लिए उन्होंने सभी जिलों के कलेक्ट्रेट को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपने अपने जिलों में फंसे मजदूरों की एक लिस्ट तैयार करें और रेलवे को अपने राज्य के नोडल अधिकारी के जरिए आवेदन दें ताकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। रेलवे के मुताबिक फिलहाल उनके पास प्रतिदिन 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की क्षमता है। हालांकि रेलवे अभी आधी संख्या में ही ट्रेन चला रहा है। अगर रेलवे पूरी तरह से ट्रेन चलाने की प्रक्रिया को शुरू कर दे तो श्रमिकों की काफी ज्यादा राहत मिलेगी। हालांकि अभी तक रेलवे ने 15 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा दिया है। घर जाने के लिए प्रवासी मजदूर ने चुराई साइकिल, लिखा खतर। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण वर्तमान समय में प्रवासी मजदूर काफी ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं। सरकार ने भले ही मजदूरों की आवाजाही के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवा दिया है, लेकिन पैदल आने वाले मजदूरों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन राजस्थान के भरतपुर में उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले एक मजदूर को अपने घर जाने के लिए किसी की साइकिल चुरानी पड़ी और चोरी के बाद उसने वहां पर माफी मांगते हुए एक पत्र भी लिखकर छोड़ दिया, जिसमें उसने चोरी करने का कारण बताया, जिसके तहत मजदूर ने लिखा, नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मुझे बरेली तक जाना है, आपका मजबूर मजदूर। जिसके बाद मजदूर का लिखा हुआ यह पत्र सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वहीं इसके साथ ही सरकार की कोशिशों पर भी सवाल उठ रहे हैं। 10 राज्यों के 30 शहर में तेजी से फैल रहा है कोविड 19। देश के 10 राज्यों के 30 शहर में कोविड 19 बड़ी तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 80% कोविड 19 संक्रमण के मामले में 30 नगरीय निकाय शामिल है, जिसमें कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा ऐसे राज्य है जहां पर कोविड 19 बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसका खुलासा सेक्रेटरी द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। और सबसे ज्यादा प्रभावित नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ बीते दिन बैठक के बाद भी यह जानकारी दी गई है। वहीं आयोजित बैठक में कोविड 19 के रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रभावित इलाके में कंटेनमेंट जोन में हाई डबलिंग रेट को कैसे मैनेज करना है, इस बारे में भी चर्चा की गई है। देश को MRO का हब बनाना चाहती है केंद्र सरकार, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है और कहा है कि सरकार देश को विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल का हब बनाने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए शनिवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के चौथे टेस्ट की घोषणा करते हुए बताया था कि यदि हम भारत को एक बड़ा केंद्र बना पाते हैं तो इसमें नगर विमान ही नहीं बल्कि रक्षा विमान क्षेत्र को भी काफी लाभ होगा। इससे सभी एयरलाइंस के लिए रखरखाव की लागत घटेगी, अंत में इसका लाभ यात्रियों को ही मिलेगा, उनके लिए यात्रा की लागत घटेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हवाई अड्डों की नीलामी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारतीय हवाई क्षेत्र के बेहतर इस्तेमाल के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एक प्रतिस्पर्धा भारतीय उद्योग से स्थानीय एयरलाइंस को इस तरह के कार्य पर खर्च घटाने में मदद मिलेगी। अब तक यह काम ज्यादातर विदेशों में किया जाता है, लेकिन अब भारत में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। गाड़ी में फास्टैग लगे होने के बावजूद देना पड़ सकता है जुर्माना। गाड़ी में फास्टैग लगे होने के बावजूद अब ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने तय किया है कि यदि कोई मोटर वाहन पर फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें पर्याप्त राशि का रिचार्ज नहीं है तो वह टोल प्लाजा पर फास्टैग लेने में अगर घुसता है तो फिर उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा। यानी कि अब सभी वाहन धारकों को फास्टैग में रिचार्ज रखना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं वाहन में लगने वाले पैसे वाहन पर लगने वाले टोल फी से दोगुने होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 15 मई 2020 से ही देश में लागू हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि फास्टैग को अनिवार्य करते हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन लोग अभी भी इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसे ढेरों मामले देखे गए हैं जहां पर मोटर वाहन पर फास्टैग लगा है लेकिन उसमें पर्याप्त राशि नहीं होती है। ऐसे में वह सभी वाहन लंबी कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और टोल टैक्स की राशि को कैश से जमा करवाते हैं, जिससे काफी समय तक सभी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ओबामा ने की सार्वजनिक रूप से ट्रंप की निंदा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोविड 19 के इस माहौल से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन
के कई अधिकारी ढोंग करने के बहाने ही जिम्मेदारी उठाते नहीं देखे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गोरे लोगों की तुलना में काले समुदाय पर कोविड-19 का बड़े पैमाने पर असर हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी व्यवस्था की कमियों को उजागर किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ब्लैक स्टूडेंट्स के दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित करने के दौरान उक्त बातें कह रहे थे। वहीं अमेरिका में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा अमेरिका ही प्रभावित है, क्योंकि अब तक अमेरिका में प्रभावितों की संख्या लगभग 15 लाख पहुंच चुकी है। कपिल सिब्बल ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर उठाए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति पर सवाल उठाए हैं और सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत पैदल घर लौटने पर मजबूर मजदूरों के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2 लाख प्रवासी मजदूर हैं और घर जाने को बेताब है, लेकिन और कोई इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास अब बचने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। हर दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। उत्तर प्रदेश में हुए वाकये में 26 लोगों की जान चली गई है। वहीं ट्रेन की चपेट में आने से 16 लोगों की जान चली गई थी। मजदूरों की समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट कब अपनी आवाज उठाएगी, यह समझ से परे है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आयोजन करवाया गया है, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में मजदूर पैदल सफर करने पर मजबूर है क्योंकि उनके पास टिकट बुक करवाने के लिए पर्याप्त कागजात उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि वह पैदल ही घर के लिए निकल पड़ रहे हैं। सीधे खाते में भेजे जाएंगे बिजली सब्सिडी के पैसे। कोविड-19 आर्थिक पैकेज के 4th दिन के ऐलान में सरकार ने बिजली की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कराने का ऐलान जारी किया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में नए टैरिफ पॉलिसी के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन किए जाने की बात भी कही है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी बिजली कंपनियों को पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने का आदेश भी जारी किया है। वहीं लोड शेडिंग की समस्या को देखते हुए उन्होंने पेनाल्टी लगाने की बात भी कही है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा है कि बिजली कंपनियों के पर्याप्त आउटपुट को ही और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इससे क्षमता में विस्तार होगा, सर्विस क्वालिटी पर बेहतर असर पड़ेगा और साथ ही पावर सेक्टर में डायरेक्ट ट्रांसफर के तहत ही सबसे धीमी कराई जाएगी। इसके साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते दिन 8 सेक्टर में सुधार का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 सेक्टर की घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान मजबूत सुधारक के रूप में है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान GST, DVD जैसे कई मुद्दों पर कई अहम फैसले सुनाए हैं। वर्तमान में हर सेक्टर के सामने कड़ी चुनौती है और इसका सामना करना होगा। आज का फोकस रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है, जिसमें 8 सेक्टर यानी कि कोल, मिनरल, डिफेंस, सिविल, एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी शामिल है। कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को लागू किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। एयर स्पेस बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार को 1,000 करोड़ की कमाई होगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए प्राइस पॉलिसी रिफॉर्म को लागू किया गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। इसके लिए 8100 करोड़ की घोषणा भी की गई है। आज है मशहूर क्रिकेटर भागवत चंद्रशेखर का जन्मदिन। भागवत चंद्रशेखर को मैच विनर के नाम से जाना जाता है। यह भारत में वह क्रिकेटर थे जिन्होंने टीम इंडिया को सरहद पार पहली जीत दिलवाई थी। हालांकि वह बचपन से ही बीमार चल रहे थे, लेकिन उसकी वजह से उनके क्रिकेट करियर में कभी कोई कमी नहीं देखने को मिली। एक जमाने में भारत के स्पिन चौकड़ी कहे जाने वाले चंद्रा वेदी प्रसन्ना टीम के अहम सदस्य माने जाते थे, जिनके बिना मैच जीतना लगभग नामुमकिन होता था। चंद्रशेखर ने दुनिया के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से पसीने छुड़वाए हैं। भारत के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह बहुत ही ऊंचा स्थान भी प्राप्त किया, इनका बहुत बड़ा योगदान भी देखने को मिला है। वहीं उनके जन्मदिन पर ICC ने उनकी तस्वीर को शेयर करते हुए जन्मदिन की खूब सारी बधाइयां भी दी हैं। चंद्रशेखर के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अपने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 58 मैच में 242 विकेट लिए हैं। वहीं आज चंद्रशेखर अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत योजना में किए गए ऐलान से आप कितने संतुष्ट हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।